जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जैदी। आज हम कोशिश करेंगे प्रशांत भूषण पर हमले के उस मिशन की सच्चाई जानने की। तो किसका था यह मिशन, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं चौथी दुनिया के चीफ एडिटर संतोष भारतिया, और साथ में ही हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं अभिजीत भट्टाचार्य जो कि लीगल एक्सपर्ट है। हम अपने मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं उस घटना पर जो आज प्रशांत भूषण के साथ हुई। 12 अक्टूबर दिन के करीब 4:30 बजे आम दिनों की तरह सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा था, और कोर्ट परिसर में ही वकीलों के नए चैम्बर में बने कमरा नंबर 301 के अपने दफ्तर में वरिष्ठ वकील और टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे। अचानक प्रशांत भूषण के कमरे में 3 नौजवान घुसे और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए जो इन तस्वीरों की शक्ल में टीवी चैनल के कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने प्रशांत की FIR पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वो उससे पूछताछ कर रही है और बाकी के 2 आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ केजी सुरेश मौजूद है। केजी सुरेश, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? मेरा तो पूरा सवाल है टाइमिंग पर। कल हिसार के चुनाव हो रहे हैं और आज ये घटना क्यों? इसके फायदे किसको पहुंचेंगे? इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज ही क्यों, आज ही के दिन क्यों? टाइमिंग पर सवाल। टाइमिंग पर, क्योंकि दिग्विजय सिंह का चिट्ठी भी जाता है, यहां यह घटना होती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बात कभी पब्लिक डोमेन में डिस्कशन के रूप में कभी नहीं आया कि प्रशांत भूषण का कश्मीर पर क्या स्टैंड है, तो ये पूरा टीम अन्ना का क्या स्टैंड? बिल्कुल सही। अब वो एनालिसिस की बात हो गई। टाइमिंग बहुत बड़ा सवाल है केजी सुरेश के लिए। तो ये अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग मोर देन मीट्स द आई। ये केजी सुरेश क्या कहेंगे आप, ये जो दिख रहा है ये वो नहीं है? वो तो हमने पहले आपको बता दिया कि ये तो बिल्कुल जैसे ही हमें दिखाई दिया, हमने तुरंत कहा कि कल हिसार का चुनाव है और ये मैसेज। देखिए, मेरे आपके जैसे जो पत्रकार हैं या जागरूक लोग हैं, हम तो कहेंगे कि ये व्यक्तिगत जो क्या कहते हैं अभिव्यक्ति पर हनन है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन हिसार का वोटर देखेगा कि ये तो गद्दार है, ये तो देश के खिलाफ है, ये तो कश्मीर पर जो है ये पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इसका फायदा किसको पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है। आज जो बहुत पुराना जो वक्तव्य था, आज उसको उठाकर आज ऐसा क्या प्रोवोकेशन था कि आज के दिन ये प्रोवोकेशन जो है इसको अंजाम दिया गया? इसके पीछे क्या चीज है? एक साथ में आपने बहुत, जिसने भी ये प्लान किया बड़ा शातिर बुद्धि का। मैंने नहीं है। नहीं, जिसने भी प्लान किया ये बड़े ही शातिर बुद्धि से किया। बहुत शातिर बुद्धि। और शातिर बुद्धि की कमी नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान में। बिल्कुल कमी नहीं थी, कमी नहीं है। इससे देखिए ना, कई चीजें पूरा हो गया। एक पब्लिक में फजीहत हो गई टीम अन्ना की, और दूसरी बात आप देखेंगे कि पूरा मैसेज चला गया। जो हरियाणा का जो वोटर है वो एग्रेसिव वोटर है, वो इमोशनल है। और हरियाणा में इतने सारे लोग फौज में हैं, वो देशभक्ति से जुड़े हुए, मतलब उस टाइप के एक किस्म का एक वर्ग है, उन लोगों का एक जुड़ाव है। उसमें एक मैसेज चला गया, कई लोग उसमें कश्मीर में पोस्टर है, हरियाणा के नौजवान जो है कश्मीर में पोस्टर है, वहां मैसेज चला गया। वहां के लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर उनसे कह दिया जाए कि अमेरिका तुम्हारा और उनको जाने के लिए वहां इजाजत मिल जाए तो वहां भी पहुंच जाएंगे वो, और इस तरह के इमोशनल लोग हैं वो। बिल्कुल। और ये जो है आपने एक तरह से जो है ये बहुत ही क्लियर कट संदेश जो है ये जो है वो लाइन के बीच बहुत कुछ पढ़ा जाना बाकी है। संतोष जी क्या कहेंगे आप, ये बेनिफिशियरी कौन है आज की घटना का? मजे की बात ये कि बेनिफिशियरी जो लॉजिकली हो सकता है उसकी वहां कोई बिल्कुल चुनाव में बिल्कुल उसकी औकात नहीं है, औकात नहीं है। वो चौथे पे रहेगा, पांचवे पे रहेगा, ये देखने की चीज है। पर कुल मिलाके सवाल ये है कि हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार की चीजें जब शुरू होनी एक चल पड़ती हैं, उसका एक बड़ा मैसेज लेना चाहिए। बड़ा मैसेज ये लेना चाहिए कि जो राजनीतिक दलों के जिम्मेवार लोग हैं, अगर वो अपने लोगों को जिम्मेवारी नहीं सिखाएंगे
तो आज एक तरह की घटना हो रही है, उनके विरोधी कल दूसरी घटना करेंगे। बिल्कुल सही है। अभी कानपुर में हफ्ते भर पहले अरुण जेटली गए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन था और उनके सामने उत्तम पैजार खूब हुआ, और बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर के, धड़ेबंदी को लेकर के, इवन कांग्रेस में ये खूब हो रहा है। रीजनल पार्टियां इससे थोड़ी सी बची हुई हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी की पार्टी हो या मायावती जी की पार्टी हो, पर दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर वो अपने लोगों को समझदारी नहीं सिखाएंगे तो कल ये आग उनको नहीं जलाएगी, ये सोचना उनकी बहुत बड़ी क्या कहूं मूर्खता होगी, और क्या कह सकता हूं। बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट आया है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज जो जिस स्टेटमेंट को कहा जाता है कि खींच करके पटल पे ले आया गया है, देखें वो मैं इससे सहमत हूं कि खींच के लाया गया, लेकिन मैं एक चीज आपको साफ करूं, प्रशांत भूषण जी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। कश्मीर का मसला हमारे लिए सेकुलरिज्म का मसला है, कश्मीर हमारे लिए जमीन का टुकड़ा या कुछ लोगों की राय नहीं है। जो तर्क कश्मीर को अलग करने के लिए अलगाववादी देते हैं, उनका कहना है कि वहां 80-85% मुसलमान हैं और उनका स्वाभाविक रुझान पाकिस्तान की तरफ है। अगर इस तर्क को हम मान लें, और ये भारत जो कि गलत है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और अभी जिंदा हैं नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों में इस बात को लेकर मालदीव के प्राइम मिनिस्टर सम्मेलन में बातचीत हुई, चंद्रशेखर जी ने ये कहा नवाज शरीफ साहब से कि तुमको कश्मीर चाहिए तुम ले लो, लेकिन साथ में हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों को भी ले जाओ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा अगर नहीं हो सकता तो जिस दिन हम कश्मीर को अलग करेंगे बहुमत के आधार पर, उस दिन हिंदुस्तान के गांव-गांव में दंगा हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के गांव में भी तो लोग कहेंगे फिर वही तर्क लागू होगा कि यहां हम बहुमत में हम आपको क्यों रहने दें, और मेरे पास इतनी न पुलिस है न इतनी फौज है जो हिंदुस्तान के गांव में उस सांप्रदायिक दंगे को रोक सके। नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं, उनसे कोई भी ये बात इस बात की तस्दीक कर सकता है। उन्होंने कहा भाई साहब, क्या मैं आपको भाई साहब कह सकता हूं? चंद्रशेखर जी ने कहा, ध्यान सुनिए, जरूर कहो। उन्होंने कहा भाई साहब, न मैं कश्मीर का मसला उठाऊंगा ना आप उठाएं, जैसे चलता है इसको चलने दें। मैं ये बात प्रशांत भूषण जी के जरिए देश के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, कि कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान के लिए सेकुलरिज्म का मुद्दा है। हिंदुस्तान में 15-17 करोड़ लोगों की जिंदगी का वो सवाल है, और अगर इन्हें कहीं अलग करने की बात करेंगे तो हम हिंदुस्तान के उन तत्वों को जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जो हिंदी हिंदू उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हम एक लॉजिकल तर्क दे देंगे। जी जाहिर है, ये जो स्टेटमेंट था उनका, उस पर राय है। केजी सुरेश क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो देखिए एक बात कहूंगा, ये जिम्मेदारी बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा अन्ना टीम पर है कि वो जब भ्रष्टाचार के नाम पर हर किस्म के तत्व को, मोटरसाइकिल में हमने उन दिनों में भी देखा, जिनको आप जो लौंडे लपाटे जिसे कहते हैं, इलाके के मोहल्ले के इस टाइप के लड़के, वो मोटरसाइकिलों में 3-3 सवारी 4-4 सवारी बगैर हेलमेट पहने झंडे लेकर, जिनको हुड़दंगी कहिए, हाँ आप उस टाइप के लोगों को भी आपने जोड़ दिया और कह दिया कि ये आम नागरिक है, ये आम आदमी है, और आपने जब उनको अपना टीम का हिस्सा बनाया कि सिर्फ आपको ताकत बढ़ाना है, आपने कोई एक स्टैंडर्ड नहीं रखा कि इसमें यही मुद्दा उठाया जाएगा, हर किस्म के लोग बोलने लगे, तो अभी लोगों में एक तरफ आपने पर उनका सवाल किया गया था, उसका जवाब दिया था, एक तरफ वंदे मातरम भी बोल रहे हैं, भारत माता की जय, संघ का पूरा आपने सिंबोलिज्म पीछे लगा रखा है, आपने जो है पहले वाले में भारत माता का चिन्ह भी आपने लगाया और सारा जो सिंबोलिज्म है वो सारा आपने लगाया, दूसरी तरफ आप जो टोटली जिसे कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानवाधिकार के जो वकील रहे हैं, जिन्होंने हमेशा जो संघ परिवार और बीजेपी के खिलाफ अपना मुहिम रखा है, उनको भी आपने जोड़ा है, तो आप एक टोटल एक कॉल्ड्रन है जहां कहीं कोई भी, जिनका कोई एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, और आप हर विषय पर बोल रहे हैं, आपको हर विषय में, जब आपका मेन विषय ये है, आप हर विषय में बोलेंगे तो ये खतरा रहता है, खतरा रहता है कि आपका जो मूल इश्यू है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो टोटली डाइवर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टीम अन्ना की भी बनती है। आपको दिखाते हैं आरोपी तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का फेसबुक पेज, इससे पता चलता है कि यह हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तेजेंद्र ने
टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास को फेसबुक के जरिए चेतावनी भी दी थी। यह भगत सिंह क्रांति सेना के तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का फेसबुक पेज है। बग्गा ने घटना के बाद अपने पेज पर लिखा है कि उसका मिशन पूरा हुआ। बीती रात 2 बजे बग्गा ने अपने पेज पर लिखा कि आखिर प्रशांत भूषण है कहां। उसके बाद आज सुबह करीब 11 बजे उसने अपने पेज में भगवान से गुजारिश की कि वो उसे हिम्मत दे ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। और फिर आज शाम करीब 5 बजे बग्गा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, वी हिट प्रशांत भूषण हार्ड इन हिज चेंबर इन सुप्रीम कोर्ट, इफ यू विल ट्राई टू ब्रेक माय नेशन आई विल ब्रेक योर हेड। साफ है कि इस हमले की योजना पहले से बनाई गई और पूरी रणनीति के साथ इसे अंजाम दिया गया। बग्गा ने कैमरे के सामने भी हमले की जिम्मेदारी ली और मामले को कश्मीर से जोड़ा। अग्निवेश के साथ उन्होंने कश्मीर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी हालात बिगड़े, 118 मौतें हुई पिछले एक साल में, उसके लिए भारतीय सेना जिम्मेदार है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और लश्कर ए तोयबा का बयान हाथ इसमें नहीं है, तो भ्रष्टाचार की वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपना ध्यान भ्रष्टाचार पे केंद्रित भी नहीं करते, आप हमें ये बात क्यों कह रहे हैं। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने अपने कथित मिशन को पूरा किया और उसके बाद उसके फेसबुक पेज पर हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोग उसे बधाई दे रहे हैं, कई उसके कृत्य के लिए उसे कोस रहे हैं। बग्गा को गालियां भी दी जा रही हैं, ललकारा भी जा रहा है, प्रतिक्रिया मिली जुली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजेंद्र ही इस हमले का असली चेहरा है या उसे मुखौटा बनाया गया है। अगर हमला सच में कश्मीर पर दिए बयान पर हुआ है तो ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन टाइमिंग के लिहाज से ये घटना कई और सवाल भी पैदा करती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले की सच्चाई क्या है। उनसे भी पूछूंगा कि ये मारपिटाई के पीछे निश्चित कारण क्या है, यह मैं जान लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। किसका था ये मिशन, आपने देखा तेजेंद्र सिंह बग्गा कौन है और किस तरह से फेसबुक पर वो अपडेट करता रहा अपने मिशन के बारे में, और जब मिशन कंप्लीट हो गया तो उसने क्या लिखा कि अगर हमारा आप देश तोड़ोगे तो हम तुम्हारा सर तोड़ देंगे। बहरहाल, आखिर प्रशांत को किसने पीटा, इस पर कांग्रेस के क्या आरोप हैं और क्या सफाई दे रही है बीजेपी, आइए देखते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी है, उसके द्वारा ये काम किया गया है। इसको पूरे तरह से निंदा करती है, कंडम भी करती है और कानूनी तौर पर जो भी एक्शन लेना है ये लोग के ऊपर जरूर लेना ही चाहिए। ये बीजेपी से कुछ ताल्लुकात नहीं है इनका। अगर आप युवा मोर्चा से ज्यादा पूछना चाह रहे हैं, वो भी दिल्ली का यूनिट युवा मोर्चा इसके रिस्पॉन्ड करेगी, मगर दे हैव नथिंग टू डू विद भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ये आगे आके कहना पड़ रहा है कि इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, अपने आप में यही एक बहुत बड़ी बात है। जहां सफाई देनी पड़ जाए वहां आधा कल्प्रिट तो इंसान वैसे ही हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जी सुरेश की खाया पिया कुछ नहीं, उसके बावजूद जो है वो बिल फटा है बीजेपी के नाम, मकसद के तहत है ना। हम तो ये तो पूरा कह रहे हैं, अरे बीजेपी के लोग तो वो कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट को, यूपीए 1 को भी कई एमपी ने बेल आउट किया, वो तो एमपी थे, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि बीजेपी ने बेल आउट किया। बीजेपी के लोगों ने जो है, बीजेपी के विधायकों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में सपोर्ट करके वोट किया, तो ये थोड़ी आप कहेंगे कि वो जो है बीजेपी ने सपोर्ट किया। क्या आज के तारीख में ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इनको तो कोई भी खरीद सकता है। मकसद क्या था? मकसद आपने एक तीर से जो है आपने पता नहीं कितने निशाने साध दिए। आपने पूरा जो है फोकस जो है करप्शन से हटाकर अन्ना हजारे का मूवमेंट को डिस्क्रेडिट कर दिया। एक साथ में आपने प्रशांत भूषण का पूरा टीम अन्ना को आपने डिस्क्रेडिट कर दिया है एक तीर के साथ, कि अब पूरा ये कश्मीर के मुद्दे पर ये हमारे साथ नहीं है। और भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए, एक भारतीय नागरिक के लिए, आम मिडिल क्लास के लिए कश्मीर एक बहुत ही इमोशनल इशू है। बस आपने वहां कर दिया तो आधा से ज्यादा तो आपने साथ खत्म कर दिया। आपने
दूसरी तरफ आपने जो तो आपको लगता है कि आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग या जो जो बयान देने में माहिर हैं अगले एक महीने बाद कहेंगे कि उनके जो प्रशांत भूषण है वो कश्मीर पे इस तरह का बयान देते हैं। और सेक्युलर और राइट माइंडेड लोग हैं वो ये समझेंगे कि देखो बीजेपी बात कर रही है, यहाँ अडवाणी यात्रा निकाल के जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है डेमोक्रेटिक राइट्स पर ये जो हिट कर रहे हैं और आप मार रहे हैं इनके लोग जो है इनके समर्थक, आप बेनिफिशियरी उस सेंस में देखिए ना, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरीज कौन है ये देखने की जरूरत है। ये कोई एक सिंपल चार लड़कों ने कर दिया ऐसा मैं नहीं समझता हूं, इसके पीछे बहुत सोच समझकर एक सुहेल हिंदुस्तानी कौन था? आप जस्ट बिकॉज कोई किसी से जुड़ा हुआ है वो प्रेस करवाता था पहले कपड़े नेताओं के, तो वो आप किसी से जुड़े हुए हैं या किसी कार्यालय में जाके बैठते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है। तो किसी के भी टूल बन सकते हैं बहुत आसानी से आसानी से। किसका था ये मिशन, अभी तक जवाब हम तलाश रहे हैं क्योंकि कहानी बहुत गूढ़। हमारे साथ संतोष भारतीय जी मौजूद हैं। संतोष जी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवाल कई बार लीड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि मन मुताबिक उसका आंसर मिल सके और फिर उस जवाब का जो है वो बतंगड़ बनाया जा सके। इसकी पहली जो नजीर मिली थी वो अन्ना हजारे से जब गुजरात के बारे में सवाल पूछा गया था जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त जब वो जंतर मंतर पर बैठे थे और उसके बाद उसका एक इशू बना दिया गया था क्योंकि उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक अच्छा काम कर रहे हैं। वाराणसी में प्रशांत भूषण से यह सवाल किया जाता है कि साहब कश्मीर पर आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि ये जो एजेंट्स हैं हर जगह मौजूद रहते हैं और मन मुताबिक सवालात और जवाबात हासिल करते हैं और उसके बाद उसको मुद्दा बनाते हैं, और ये आपको लगता है कि जल्दीबाजी थी प्रशांत भूषण को इस तरह के सवालों से बचना चाहिए था या जवाब देना चाहिए था थोड़ा संभल के? प्रशांत भूषण राजनीतिज्ञ नहीं है, वकील है। पहली चीज, वकील बहुत सारी चीजें ये नहीं देखता है, लेकिन वकील जब राजनीति में आता है, पर मैं आपको दो घटनाएं बताता हूं, एक नानाजी देशमुख की और एक वीपी सिंह की। नानाजी कैसे अखबार वाले उनको फंसा के जो आप बात कह रहे हैं उसके दो उदाहरण। नानाजी देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश के लोगों को 65 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। सवाल आया सप्लीमेंट्री राजनेताओं को भी, उन्होंने कहा कि हाँ राजनेताओं को भी, तो क्या आप 65 साल में रिटायरमेंट लेंगे? नाना जी को कहना पड़ा कि हाँ मैं लूंगा और नाना जी राजनीति से, सक्रिय राजनीति से रिटायर होकर के उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान चलाया और बांदा में चित्रकूट में जाकर के उन्होंने काम शुरू किया। दूसरी घटना, वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे, डाकुओं का उस समय वहां बहुत तेजी से वहां उनका कहर चल रहा था और पुलिस ने उनके खिलाफ अभियान चला रखा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा प्रेस वालों ने कि मुख्यमंत्री जी अगर आगे और घटनाएं होती हैं तो आप क्या करेंगे? वीपी सिंह को कहना चाहिए था उनका सामना करेंगे, लोगों को और संगठित करेंगे, पुलिस को ज्यादा मजबूत करेंगे, उनका कि अगर आगे कुछ होता है मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक घटना उसके बाद हुई और उनको देवली की और उनको इस्तीफा उन्होंने दे दिया। प्रेस वाले इस तरह फंसाते हैं, ये शायद प्रेस का काम नहीं है, लेकिन हमारे बीच में हमारे पार्टियों के एजेंट बिल्कुल मुखौटा लगा के प्रेस का मीडिया का आ गए हैं, वो इस काम को अंजाम देते हैं, पर हमारा समाज ऐसा है उसे सावधान ना हम रह पाते हैं। ये राजनेता कहां से रहेंगे या जो राजनीति को नहीं जानते हैं वो कहां से रहेंगे? हम सब, हमारे और आपके जैसे लोग भी, हमारे आसपास जो मीडिया के लोग जो मुखौटा लगाए हुए हैं हमारे बीच में, राजनीतिक दलों के एजेंट, हम खुद उनसे परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही। हम पचास के जी सुरेश क्या कहेंगे आप जो सवाल मैंने संतोष भारतीय जी से किया? मैं तो समझता हूं कि इसमें जो भी संगठन के लोग हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, ऐसे लोगों को ये कहना कि भाई वकील है राजनेता नहीं है, राजनेताओं ने वकीलों को ही रखा है प्रवक्ता बनाकर, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। अभिषेक मनु संघवी से लेकर मनीष तिवारी से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर अरुण जेटली से लेकर सारे वकीलों को खड़ा कर रखा है ताकि वकील समझता है हर चीज का कहां फंसेगा। लेकिन ये अपने आप पर जो संयम जो है वो इन लोगों को होना चाहिए कि पब्लिसिटी की होड़ में आप हर विषय पर बोलते जाएंगे, आप अपना फोकस को बिगाड़ेंगे, आप अपने आप को हर विषय में अपना आपको चैंपियन और देश में सबसे बड़े उसके प्रवक्ता बनने की प्रयास करेंगे, तब आप फंसेंगे। ये इसमें से सबसे बड़ी सबक है। यहां मुद्दा अभी भी अनसुलझा है कि मिशन किसका था। हो सकता है
अगले 2-3 दिनों में इस पे कुछ रोशनी पड़े कि मिशन किसका था, फायदा किसका हुआ, एक तीर से कितने निशाने साधे गए। बहरहाल प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भट्टाचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, के जी सुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद अंजादी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।